तो चलिए आज हम वर्ग दूसरा के किताब से एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम होगा कितने कौवे। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, एक कौवा उनके सिर पर मंडराने लगा। उन्होंने कौवे को हाथ से उड़ा दिया। दो कदम चले कि कौवा फिर आ गया। उसने अकबर को चोंच मारी। अकबर को बहुत गुस्सा आया, वे बगीचे से लौट आए। दूसरे दिन दरबार लगा। अकबर ने प्रश्न किया, हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे? सभी मंत्री, राजदरबारी और कर्मचारी दंग रह गए। भला यह कैसा प्रश्न? सब चुप। अकबर फिर बोले, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहिए। बीरबल, तुम भी चुप बैठे हो। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि बीरबल है जो कि जाकर अगल बगल के क्षेत्रों में है, जो कि कौवा गिनने का काम कर रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशर्फियाँ चाहिए। बीरबल 1000 अशर्फियों की थैली लेकर घर चले गए। सप्ताह भर आराम करते रहे। बीरबल ठीक 7 दिन बाद दरबार में दाखिल हुए। अकबर ने पूछा, कुछ मालूम हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, आपके यहाँ 972 कौवे हैं। राज्यसभा में सब दंग रह गए, कैसे गिना बताओ कौओं को? अकबर बोल उठे, अधिक या कम हुए तो? बीरबल अकबर की आंखों में झांक कर बोले, हुजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहर से कौओं के घर मेहमान आए होंगे और कम हुए तो हमारे शहर से कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। साहब भी ठहाका मार कर हंस पड़े। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं और इसके उत्तर देना है, चित्र में कौन दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे कि अकबर और कौवे दिखाई दे रहे हैं। कौवा कहाँ मंडरा रहा था? तो कौवा है जो कि अकबर के सर पर मंडरा था। कौवे ने अकबर को किसने मारा? कौवे ने अकबर को किससे मारा? तो चोंच से मारा। ये देख रहे हैं, ये कौवा है और इसी के बारे में लिखना है। कौवा एक चालाक पक्षी है और हमेशा है जो कि सतर्क रहता है, और ये है जो कि दाना चुंगता है, और कौवी है जो कि अंडे देती है। इस तरह इसके विषय में है जो कि घोंसला बनाकर यह रहता है। अक्षरों को सजाकर शब्द लिखें, जैसे अकबर हो गया, इधर दूसरे में बीरबल हो जाएगा, तीसरे में कर्मचारी हो जाएगा और चौथे में राजधानी हो जाएगा, पांचवे में दरबार हो जाएगा और छठवे में मडराना हो जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।